गोहाना उपमंडल स्थित होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में आज विद्यार्थियों हेतु हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय परियोजना बाल सलाह परामर्श एवं कल्याण केंद्र की स्थापना के अंतर्गत आज जिला सोनीपत के 23वें तथा राज्य के 161वें मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र की स्थापना मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी रोहतक एवं राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक द्वारा की गई। इस अवसर पर किशोरावस्था की विशेषताओं और इस दौरान भावनात्मक मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित प्रेरित करने वाले सेमिनार में उपस्थित किशोर विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों को मुख्य वक्ता अनिल मलिक ने संबोधित किया और कहा कि परिपक्वता और किशोरावस्था के दौरान उचित मार्गदर्शन व उत्पन्न हो रही शारीरिक ऊर्जा उत्तेजना को सही दिशा देना जरूरी है। अनिल मलिक ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए होली फैमिली स्कूल में खोले गए केंद्र के बारे में बताया और स्कूल विद्यार्थियों की ज्ञान अर्जित करने की लालसा और कुशाग्रता की सराहना की और कहा कि किशोर अवस्था में विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए भविष्य की कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखें, जीवन लक्ष्य निर्धारित करें, खुद से सवाल पूछते रहें, फेल होने का डर मन से निकाल कर निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास जारी रखें। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों किस प्रकार सामाजिक उत्थान में सहयोग कर सकते हैं इस बारे में भी बताया व जींद में एक संस्थान में हुई घटना पर भी अपना कमेंट दिया। तेजवीर जी, जैसे आपको मालूम है और मैं आपका स्पेशल दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि गोहाना उपमंडल के मैक्सिमम स्कूलों को आप लाइव कवरेज देते हैं। होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में आज जो बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं और उनके मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है, जो जैसा कि राज्य नोडल अधिकारी के तौर पर बाल सलाह परामर्श एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के लिए जिम्मेदारी मिली है, आज जिला सोनीपत का 23वां और राज्य स्तर का 161वां केंद्र स्थापित किया गया है। बच्चों से 2 घंटे से ज्यादा हमने समय लाइव इंटरेक्शन का इसलिए बिताया कि बच्चों की जो विभिन्न जिज्ञासाएं हैं, विभिन्न समस्याएं हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस तरह का पीयर ग्रुप है और जो फ्यूचर के लिए मतलब करियर मेकिंग के लिए प्रेशर अननेसेसरी कई बार होता है, उन पे खुले विचार साझा करने के लिए। और मैं इस बात की तारीफ करता हूँ सिस्टर सुविधा जी की, जो प्रिंसिपल मैडम हैं यहाँ पे, और इनके सभी टीचर्स की, जो बहुत अच्छा टीम वर्क है, और इन बच्चों की निसंदेह जिसको मैंने 100 out of 100 मार्क्स दिए हैं, क्योंकि बच्चों का इंटरेक्शन लेवल अप टू द मार्क्स था। बच्चे बहुत गहनता से बातों को समझ रहे थे और अपने विचार प्रकट करने के लिए उनको एक अवसर दिया है। आगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा और मोटिव ये है कि हमारा समाज सशक्त हो, हमारे बच्चे सुदृढ़ हों, बच्चों के साथ किसी तरह का अब्यूज ना हो और बच्चे अपना पोटेंशियल और अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने भविष्य में अपनी किस्मत आजमाएं। उनके पास अवसर की कमी नहीं है, उनको खुद का भरोसा बढ़ाना होगा। हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे बच्चे राष्ट्र के निर्माता हैं, निसंदेह बहुत कारगर और नतीजागत परिणाम हमारे सामने हैं। जैसे कि एब्रॉड जाने का आजकल बच्चों का बहुत क्रेज है, बहुत इसको अगर यहाँ बैठे हुए प्रैक्टिकल उस लाइफ को जिया जाए वो तब बता सकता है जब कोई अपना नजदीकी व्यक्ति जो ईमानदारी से बता सके। वहां पे संघर्ष बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, लेकिन वहां की स्कूल एजुकेशन में एक बहुत अच्छी चीज है, सोशल टास्क दिया जाता है उनको। वो टास्क जब तक पूरा नहीं होता तो उनको आगे ग्रेडिंग उनके जो सब्जेक्ट की नहीं मिल पाती। हम लोगों में क्या कमी है, हमारी सोसाइटी बहुत सशक्त है, हम सोसाइटी के बीच में जाएंगे हमारे बच्चों के साथ, हम उनकी जरूरत में उनकी मदद करेंगे। विशेष तौर से हम स्वच्छता की अगर बात करते हैं, थोड़ा गली को साफ करने के लिए एक दिन करने से बात नहीं बनेगा, कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए हमारे वो बच्चे वहां जाएं, हमारे इस्तेमाल की वो चीजें जो हमारे लिए अब इस्तेमाल के लायक नहीं रही हैं वो उन नीडी बच्चों को सोसाइटी में दे दिया जाए, उनकी दी हुई किताब से, उनकी दी हुई नोटबुक से, उनकी इस्तेमाल की गई कलम से, उनके पहने गए वस्त्रों से बच्चे हो सकता है उस सोसाइटी में से इतने काबिल बच्चे हमारे सामने हो जो कल हमारे समाज के निर्माण के लिए सशक्त भूमिका निभाए। ये बहुत जरूरी है। मैं विनम्रता से मैडम प्रिंसिपल को भी आग्रह करूंगा, आपको भी आग्रह करूंगा कि इस तरह का टास्क वंस इन ए मंथ क्वार्टरली लेवल पे जरूर करना चाहिए। सबसे जरूरी है तेजवीर जी, परिवार में माता पिता अपने बच्चों को बेहतर से जानते हैं, समझते हैं, उनकी एक्टिविटीज, उनके व्यवहार, उनकी जो हैबिट्स हैं उनको ऑब्जर्व करते रहे। बच्चे की शुरुआत एक सिगरेट के कस से होती है और वो कहीं बहुत बड़ा एडिक्ट हो जाता है, किसी भी तरह का व्यसन जीवन को बिल्कुल तबाह कर देता है। हमारे यूथ्स में ये करेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें किशोर अपराधी की प्रवृत्ति नेचुरल होती है,
उनको अगर हम सही दिशा दें तो उस एनर्जी को हम सही दिशा में डाल के उनको एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। सिविक सेंस की जरूरत है और नशा मुक्त समाज तब होगा जब हम अपने परिवार से, अपने स्कूल से, अपने इंस्टीट्यूट से कदम उठाएंगे। हम काबिल हैं, हम समझा सकते हैं, क्योंकि नशे के आदि को एडिक्शन मुक्त करना ज्यादा प्रयास देता है। कोई बच्चा उस प्रभाव में ना जाए, नशे का व्यसन का शिकार ना हो, उसको समझाना सरल है लेकिन निरंतरता से ये काम करने की आवश्यकता है। वो सोच विकसित करनी होगी कि नशा अपने काम का होना चाहिए, नशा अपने हुनर का होना चाहिए, नशा अपनी योग्यता का होना चाहिए, और पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम ये काम करते हैं तो संभव है। अनिल मलिक, तेजवीर जी या किसी व्यक्ति की बात करें, वो एक ही होता है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। जो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं, जब तक सामने स्टूडेंट में वो अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड को नहीं देखते हैं, वो भावना नहीं रखते हैं, हम इस व्यवस्था में असहाय कहीं मजबूर हो जाते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं, वो इस कार्यक्रम में ज्यादा आगे रुचि नहीं रखना चाहते, उसके बावजूद जबकि बच्चे और उनके अभिभावक कहते हैं कि प्राथमिक तौर से यही काम होना चाहिए। शिक्षा चाहे उसके बाद हो, नंबर कम आएंगे तो चलेगा, लेकिन मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे जो काम हो रहा है, इसके लिए जरूरी है। ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ कम हैं, जो उन चीजों से बचना चाहते हैं। ऐसी दुर्घटना हुई है, ये घटना पूरे समाज के लिए कलंकित करने वाली है, नहीं होनी चाहिए। हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, चाहे हमारे कोई ब्लड रिलेशन में ऐसा कोई कल्प्रिट है, हमें उसके साथ कोई समझौता कोई नहीं करना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे, सशक्त बच्चे कल के सशक्त युवा हैं, और सशक्त युवा इस राष्ट्र निर्माण में सहायक है। जैसे मैंने कहा, आप यहां मौजूद थे, कि 100 out of 100 मेरे बच्चों ने एक पिता के रूप में दोस्ती कबूल की है, और मुझे इन बेटियों में अपनी बेटी और इन बेटों में अपना बेटा नजर आता है। और मुझे ये भरोसा है, मैं कोई शपथ नहीं दिलाऊंगा, मैं कोई वायदा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एक गुजारिश की है कि आप सिर्फ दृढ़ संकल्प कीजिए, हर चीज मुमकिन है। स्कूल को मैं 100 out of 100 मार्क्स देता हूं। मैडम प्रिंसिपल सुविधा जी का जो मतलब रेगुलर टाइप चल रहा है, जो ऑल रेस्पेक्टेड टीचर्स जो इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और वो अभिभावक जिन्होंने इनको जन्म दिया है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, और मेरे प्यारे प्यारे ये दोस्त, मैं सबको बेस्ट विशेष देता हूँ। ये हुनरमंद है, अपने हुनर को जान ले और बस सच्चा प्रयास करें, दृढ़ संकल्प के साथ, सब मुमकिन है। स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर सविधा ने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद और मुख्य वक्ता अनिल मलिक द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए मार्गदर्शन की सराहना की और कहा कि किशोर अवस्था में विद्यार्थियों को इससे बहुत लाभ होगा। वंडरफुल सेशन आई वुड से। डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर श्री अनिल मलिक जी, ही केम हियर एंड हैज गिवन ए वंडरफुल सेशन फॉर द स्टूडेंट्स, एंड आई एम वेरी श्योर इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, एंड दे हैव टेकन इट 100% and they will put into practice, and we'll keep the sessions again so that they will be continuously motivated. Not only these students, there are other students, we'll make available these kinds of session for them periodically, and I am very happy. कार्यक्रम के दौरान सहायक कार्यक्रम अधिकारी धर्मपाल, आजीवन सदस्य व परामर्शदाता नीरज कुमार व इंदुरानी मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।